पीओजे के आज जे एंड के पीओजे के समाज की तरफ से सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद भी करता हूँ कि इतने छोटे से काल पे आपने यहाँ पे अपना कीमती समय निकाला और हमारे जो समस्याएं हैं वो लोगों तक पहुँचाने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, आज की हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन जो हैं उनकी तरफ से उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज आपके रूबरू हैं। आप ही के माध्यम से हमें पता चला है कुछ दिन पहले कि जम्मू कश्मीर जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हैं वो होने जा रहे हैं। हमारा जो समाज है पीओजे के डीपीज का जो समाज पूरे यूटी में फैला हुआ है, विशेषकर यहाँ पे मैं बात करूंगा अपने आरएसपुरा जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी की। 2008 के बाद जब से श्री अमरनाथ जी लैंड जो एजिटेशन हुई थी उसके बाद पूरे का पूरा समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। उसका रिजल्ट्स भी हमने देखे हैं, चाहे वो असेंबली के इलेक्शन थे या पार्लियामेंट के इलेक्शन, पूरे जोशोखरोश के साथ सभी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अब हमारा जो आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी 1996 के बाद ये रिजर्व थी, अभी जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई है उसके बाद ये ओपन हुई है। हमारे जो समाज से जो लोग पिछले 3-4 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के लिए या दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अब हमारे पास एक सुनहरा अवसर है कि हम लोग जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी उससे ये मांग भी कर रहे हैं आपके माध्यम से। इस बार जो मैंडेट आपने आरएसपुरा जम्मू साउथ से आप अपनी पार्टी का जो मैंडेट दे रहे हैं वो पीओजे के डीपी फ्रंट के जो कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हैं उन्हीं में से किसी एक युवा को ये मैंडेट दे के हमारी जो आवाज है वो असेंबली तक पहुंचाएं। साथ ही साथ मैं ये भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करें पिछले 40-50 सालों की तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से लेके कठुआ डिस्ट्रिक्ट तक यहाँ यहाँ हमारा जो समाज है वो बसा हुआ है 47 के बाद, किसी को भी किसी भी पार्टी की तरफ से मैंडेट नहीं दिया गया और रिप्रेजेंटेशन हमारी इन 2-3 डिस्ट्रिक्ट में से कभी भी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर नहीं हुई। इस बार हमारे समाज ने ये मन बना लिया है कि हमने जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजना है। आपके माध्यम से हम पार्टी से ये अनुरोध भी करते हैं और आगाह भी करते हैं कि लोगों के अंदर एक सुलबुगाहट है कि हमें अपने ही समाज से एक जो कैंडिडेट है वो चाहिए है जिसको हम चुनके अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजें ताकि हमारे जो समस्याएं हैं हमारे जो इश्यूज हैं उनको वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे रेज कर सके और उनका जो सलूशन है वो लोगों को करवा के दे सके। बहुत सारे समस्याएं हैं, उनके मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं करूँगा क्योंकि हमारा मकसद जो था वो यही था कि हमें अपने जो समाज के जो लोग इस पार्टी से जुड़े हैं उसके लिए उनके लिए उनमें से किसी कम किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहे कि ए को दो या बी को दो या सी को दो। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि 30-35% जो वोटर्स हैं जो पॉपुलेशन है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो हमारे इस समाज से बिलोंग करती है, चाहे वो पटरी की बात कर लें, सिंबल कैंप की बात कर लें, मीरासाल की बात कर रहे हैं, गाडीगढ़ है, भोर कैंप है, चट्ठा है, इवन सतवारी तक, सैनिक कॉलोनी तक इस समाज के लोग जो है वो रह रहे हैं और सभी ने इस बार मान बना लिया है कि हम लोग अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जे एंड के लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचाएंगे। तो आपके माध्यम से ये बात हम लोग जो कंसर्न हैं इस मसले में पार्टी के उन तक पहुंचाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये आवाज़ उन तक पहुंचेगी और हमारे इससे जो अनुरोध हम लोग कर रहे हैं इसे वो स्वीकारेंगे और हमारे जो नुमाइंदा है वो हमारे इस समाज से पीओजे के डीपी जो हैं उस समाज से हमें इस असेंबली में एक नुमाइंदा मिलेगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।